वेलकम टू बाइक देखो। आज हमारे पास है BMW की G310 RR, इनकी पहली मेड इन इंडिया सुपर स्पोर्ट। अब हाँ, हमें पता है आप लोग कह रहे होंगे कि ये बेसिकली एक अपाची RR 310 ही है, और ये BMW की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस बाइक का टारगेट मार्केट है यूरोप, जहाँ वैसे भी अपाची RR 310 है ही नहीं। तो ये बाइक के सारे सिमिलैरिटीज़ की बात करने के बजाय इसके गिने चुने डिफरेंसेस के बारे में गौर फरमाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, जो सबसे ऑब्वियस है, BMW की बैच और स्टिकरिंग G310 RR, ये जो रेस लिखा हुआ है ये वेरिएंट नहीं है, ये BMW की ग्राफिक्स ही है। BMW पेडिग्री, मतलब कि गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम अपाची की तरफ 5-spoke alloys मिलते हैं, लेकिन गौर फरमाइए तो अपाची के पेट्रल डिस्क के बजाय यहाँ पे नॉर्मल रोटर डिस्क मिलता है, और फोकस, जी हाँ, अपाची के रोड 5 टायर्स के बजाय यहाँ पे पायलट स्ट्रीट मिशेलिन के टायर्स मिलते हैं। अगले छोटे चेंज पे ध्यान लाते हैं आपका, जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अपाची की तरह वर्टिकली ओरिएंटेड TFT स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पे BMW के ग्राफिक्स मिलते हैं। गौर फरमाइए तो अर्बन मोड, जी हाँ, यहाँ पे वही सेम अपाची का 312cc रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, सेम 34 PS और 27 Nm बनाता हुआ। BMW G310 RR के दो वेरिएंट्स होंगे, स्टैंडर्ड और स्टाइल स्पोर्ट, और इसमें दो कलर ऑप्शंस ही मिलेंगे। एक है यह BMW मोटर स्पोर्ट ट्राई कलर, और दूसरी ये ऑल ब्लैक कलर। वैसे आपको कौन सी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है कमेंट से बताना मत भूलिए। और फाइनली BMW G310 RR के दो वेरिएंट्स के प्राइसेस होंगे, स्टैंडर्ड वेरिएंट 2,85,000 और स्टाइल स्पोर्ट वेरिएंट 2,99,000। इसका मतलब है कि ये BMW G310 R से थोड़ा सा कॉस्टली होगा, GS से थोड़ा सा चीप, और RC390 से काफ़ी चीप। तो ये था हमारा क्विक फर्स्ट लुक BMW G310 RR के बारे में। बाकी की सारी जानकारी हम आपको इसके फर्स्ट राइड रिपोर्ट में देंगे। तब तक हर एक तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करना, और वो छोटे से बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए।